होंगे ऐसा स्क्रिप्ट करके कि भाई मैं हाथ हल्कर रखूं, ठीक है। इतना समूह है यार इसका, मतलब ये जब उधर से झूठ बोलता है ना, M24 में हारा नहीं हूं जो ये बोल रहे हैं, ठीक है। बाबा की बात मैंने इसलिए बोली कि भाई उन्होंने बात गलत की है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है सबके। वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर जो है ना 47 खलीफा ने फाइनली रिप्लाई दिया है उनके अगेंस्ट जो जो भी बातें हुई उसमें जो है ना प्रॉपर उन्होंने रिप्लाई दिया है। इसमें उन्होंने बबलू पिकाचू को भी जो उनके क्वेश्चन है उनका भी आंसर किया और साथ ही साथ जो पेस बाबा का भी उन्होंने रिप्लाई दिया। तो सारे क्लिप्स मैंने इस वीडियो में एड किए हैं, एंड तक जरूर देखेगा। साथ ही साथ बताते चलो यार, पायरो एक्स बैटल सीजन 2 होने जा रहा है जिसका जो है ना 30,000 प्राइस पूल है और सिर्फ जो है ना 450 उसकी एंट्री फीस है। तो अभी से जाके जो है ना आप इसमें अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, इस पे जाएं और अभी जाके ना अपनी टीम रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अंदर आपको जो है ना फ्री स्टाइल, F4, फ्लैक्स, R3D, इस तरह की पाकिस्तान की बड़ी बड़ी टीम्स और इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर्स की भी टीम खेलती हुई नजर आएंगी। तो आप अभी जाएं और जाके अपनी टीम रजिस्टर करवा लें। भैया आ गए हैं, आ गए हैं। पिकाचू को नीचे सारे मेंशन करो, सारे A to Z मेंशन करो ताकि वो भी आए भाई, इधर सामने सबके सामने बात हो। इधर बहन जी से इतनी बड़ी बड़ी। अस्सलाम वालेकुम खलीफा भाई, वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? सर हमने कोई ना कोई चेहरा मुबारक दिखाए। अबे ओ ये तो सर लड़की बना दिया बे, ये सही है। एज अ टीम वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ठीक है, हम वी अप्रिशिएट, ठीक है, हम खुद सपोर्ट करते हैं। मैंने खुद भी फॉलो किया हुआ है, लाइक मैं कितनी बार सही खुद है। मेंशन करता हूँ उनको स्टोरीज पे। पर जब उन्होंने बात की ना एक कि भाई खलीफा ने मेरे साथ वन ई वन किया, आता है उसने पहला रूम था तो उसका मेरे साथ हुआ रूम, तो मेरा कोई जो स्टिक ग्लिच हो गई तो ये वो वगैरह था, तो मैं पहला रूम हार गया उसको। मैंने बोला था मैंने सुबह से रूम नहीं खेला हुआ, रात के 3 बज रहे हैं तो आ जाओ खेल लेते हैं। खलीफा आया, 1v1 हुआ, पहला मैं हार गया, कोई 15-18 का था, कोई मेरे 15 थे उसके 18 थे, तो मैं हार गया ये वगैरह ना, तो अच्छा मैं हार गया। दूसरा रूम हुआ, मैंने उसको बोला कि चलो अब आओ, अब मैं ठीक हो गया हाथ मेरा, अब ये फुल एंड फाइनल रूम होगा। दूसरा रूम हुआ तो ये मुझसे हारा है, कोई खलीफा मुझसे हारा है, कोई मेरे 18 थे और इसके कोई 13-14-15 ऐसे कुछ उन्होंने बोला, ठीक है। रो भी एम खलीफा टू का फोर में नहीं, पहला उसने कहा उसमें हारे हो आप, M416 में हारे हो ठीक है, अच्छा, और उसमें फिर आप आ M24 रहे हो में एम भी फोर हारो। सिक्स पे। अच्छा फिर आपने कहा नहीं, थोड़ा बराबर बराबर रखना है, M24 वाली बात में बात है। फिर उन्होंने कहा कि खलीफा ने कहा कि दोबारा फिर ना बराबर बराबर बना रखना है, ठीक अच्छा है। तो दूसरा आया, अगला मैच ओके लगाया आपने, फिर आप उससे हारे हो, तो फिर आपने कहा कि नहीं, इस बोला लेवल करो लेवल करो। फिर आपने लेवल किया उनके साथ, कोई 14-14 आपने बराबर किया, पता नहीं कितना कर दिया आपने। फिर वो आपने कहा कि मैं ये अपलोड करूंगा फलाना टीम का नाम। उसके बाद ओके आपने कहा M24 का करो, फिर आप M24 आपने किया उसके साथ बबलू पिकाचू के साथ 1v1, और आप M24 में उससे हार रहे हो। पहला मैच है जिसमें आप वर्ल्ड पाकिस्तान ये का फास्टेस्ट स्नाइपर बनते हो, आप उससे वो भी हार रहे हो। तो और वो कह रहे हैं कि अच्छा स्क्रिप्टेड कंटेंट है, मेरा तो दिमाग फिर गया, फिर मैंने कोई अपलोड नहीं की, या खलीफा के साथ मेरा दिल खट्टा हो गया। ये A to Z अल्फाज हैं जो अच्छा उनके, ठीक है, के बबलू भी कह चुके कि ये तो। फिर इसने कहा कि भाई मेरा तो दिल खट्टा हो गया, फिर मैंने एक बार इसको मैसेज किया, फिर मैं क्या मैंने अपलोड करनी है ये वो वगैरह करना है। तो खलीफा साहब कभी इधर कर रहे हैं, कभी आए कर रहे हैं, कभी बाएं कर रहे हैं, कभी शाएं टाएं कर रहे हैं, फिर इन्होंने मुझे मैसेज किया, फिर मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। अब मेरे को बताओ क्या ये सच है? मैं बताऊं, सिंपल फंडा क्या है। मैंने भाई को कंटेंट नहीं दिया, ठीक है। तब इसने कोई अच्छे से वो किया नहीं था, मेरे से रूम जीता नहीं था, मतलब अच्छी लीड से, ताकि ये पोस्ट कर सके। तो इसको दोबारा से खेलना था, जैसे कि उस टाइम भी 4-5 बार हम खेल लिए थे, पर भाई का कंटेंट नहीं निकल रहा था, ठीक है। मतलब भाई अब जीत नहीं थे रहे, भाई हार नहीं थे रहे, मुझे मतलब याद नहीं क्या है, हुआ? हर M24 में हारा नहीं हूं जो ये बोल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, मैंने पूरे टिकटॉक, पूरे यूट्यूब कहीं पर भी खुद को कभी स्नाइपर गॉड या स्नाइपर पाकिस्तानी ये वो ये चीज नहीं लिखी है। सिंपल गेम प्ले अच्छा। डालता हूँ, लोग कमेंट करते हैं वो अलग बात है, ठीक है। सही। इसके साथ भी मैंने जब वीडियो डाली है वो भी मुझे मतलब उल्टा सीधा कैप्शन कुछ नहीं डाला हुआ, बस बबलू वर्सेस खलीफा, नो हेट, और भाई वीडियो एंजॉय करो, कभी वो जीतेगा कभी मैं। पर भाई ने जो है, एक तो ऑन स्ट्रीम, पहले तो अगर ये हुआ होता तो कोई क्रिएटर दूसरी क्रिएटर की पर्सनल चैट ऑन स्ट्रीम नहीं बोल सकता, ठीक है। सही। दूसरी बात, ये बोल भी दिया है भाई, तो हुआ ही नहीं है। एक चीज, तुम इतने कॉन्फिडेंट हो के झूठ कैसे बोल सकते हो? इतना समूह है यार इसका, मतलब ये जब उधर से झूठ बोलता है ना, क्या ही मतलब बोले ना बंदा। आपने इसको, ना आपने इसको बोला था कि बराबर बराबर करो, नहीं, इसने कोई आपसे कितने रूम हारे हैं, आप कितने रूम हारे हैं M416 में? यार एक हार गया होगा शायद,
हाँ एक हार गया था, और M24 का नहीं हारा था वो तो देखो अभी गेम है, आप अभी बार बार खेल रहे हो तो कुछ जीतोगे कुछ हारोगे। अब इसने सो तो जो चलो हाँ जो M4 की तो इसने समझ आती है, आप हार के जो भी सीन हुआ तो। पर ये हाँ जो आप जो कह रहा कि स्क्रिप्टेड कहा था इसने कि यार बराबर बराबर रखो, मैं हारूंगा नहीं वगैरह वगैरह, मैं नहीं हारना, तो ऐसा कुछ बात हुई थी। इसने इस तरह नहीं बोला था, इसने बोला था कि मेरा फायर ग्लिच हो गया, मैं दोबारा खेलता हूँ। और मैंने बोला भाई मेरे पास दो सिंगल पड़े या एक सिंगल, इस तरह कुछ बोले तो कह रहे नहीं इसमें काम नहीं होने वाला, आपके पास 7 डेज है आप वो ऑन करो। तो इससे आप ये आइडिया लगाओ कि भाई भाई को तब तक खेलना है जब इनका कंटेंट नहीं बने। और ये एक क्रिएटर का वो है कि मतलब मैंने जिसके साथ भी 1v1 किया है, मैं अपना कंटेंट तो फर्स्ट या सेकंड मैच में निकाल लेता हूँ, तो इन केस उनको पोस्ट करना होता है तो मैं बार बार खेल रहा होता हूँ। स्क्रिप्ट नहीं होता है, पर इजी इतना होता है कि आप दोबारा दोबारा खेलो, जब कोई मैच आप जीत जाओ या कोई ड्रॉ हो जाए, क्योंकि ये तो गेम है कभी भी पलट सकता है, तो जो आपके फेवर में कोई वीडियो निकलेगी आप वो पोस्ट कर देना, ताकि लोगों को एक मजा आ जाए। भाई रियल फाइट का अपना मजा होता है। अब आप स्क्रिप्ट करोगे उसका तो पहली सेकंड में ही पता लग जाता है भाई ये स्क्रिप्टेड है। ठीक है, तो इसी तरह इस भाई के साथ भी मैं खेला, क्योंकि काफी क्रिएटर्स ने मुझसे कंटेंट निकाला था जो मेरे से मतलब अब नाम नहीं ले सकता हूँ, पर जो लड़के मतलब बिल्कुल खेल ही नहीं पा रहे होते थे उनको भी मैंने कंटेंट दिया। लाइक क्योंकि वो है ना, अब वो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कंटेंट दिया मैंने उनको, वो लोगों को भी समझ आ जाता है कि मैंने जिसके साथ हाथ हल्का रखा है और जिसके साथ पूरा रखा है, अब समझ रहे हो। मतलब और कोई स्क्रिप्टेड वाला सीन नहीं था। अगर इधर पिकाचू लगा हुआ है, स्क्रिप्टेड का कहना है, अभी लोग कह रहे हैं कि पिकाचू को क्यों नहीं लिया लाइव पे, तो भाई हम ओपनली इनवाइट करते हैं, भाई अगर मैंने पिकाचू इधर आ जिंदगी गए। में इस चीज का कोई प्रूफ है हजार आपके पास कि आपने मैंने वो हजार किया? रूम खेले होंगे ऐसा स्क्रिप्ट करके कि भाई मैं हाथ हल्का रखूं, ठीक है, पर किसी और को कभी जिंदगी में नहीं बोला है कि भाई आप हाथ हल्का रखो, क्योंकि मुझे हारने से घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं फेमस ट्रिक शॉट मार के हुआ हूँ लोगों से जीत के नहीं, तो मैं अपनी गारंटी ट्रिक शॉट की दे सकता हूँ। आप सामने डायनामो को भी लाओ ना, मैं हार भी जाऊंगा तो एक आई शॉट वो साला खाएगा, समझे, सही। ट्रिक शॉट उसमें जरूर होगा। अब ये नहीं कि मैं उससे जरूर जीतूंगा, पर हाँ इतनी गारंटी दे सकता हूँ आप मेरे साथ उसको 2-3 रूम खिलाओ, तीसरा मैं जरूर जीतूंगा, क्यों उसका गेम स्टाइल मुझे समझ आ जाएगा, फिर चाहे वो जितना भी बड़ा कोई प्रो क्यों ना हो। तो हारने जीतने का मसला इतना बड़ा नहीं होता है, वो बंदा 1-2 रूम खेल के, आप मेरे साथ खेले हो आपने 3-4 रूम खेले, आप बॉडी लैंग्वेज समझ गए हो ना, फिर बिल्कुल कितना सही इजी बात। हो जाता है। फिर अगर बंदा जितना भी प्रो हो जाए आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भाई किधर से आता है क्या करता है, वो इजी हो जाता है फिर। बिल्कुल सही बात है। कंट्रोवर्सी और तो एंड हो गया। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा भाई, मेरा बाबा या फिर बबलू के साथ कोई हेट वाला सीन नहीं है। बाबा की बात मैंने इसलिए बोली कि भाई उन्होंने बात गलत की हुई थी, गालियां देता है स्ट्रीम पर, मैंने उसके अगेंस्ट गालियां वगैरह नहीं दी। आई एम जस्ट सेइंग कि भाई टिकटॉक अलग वर्ल्ड है, यूट्यूब अलग वर्ल्ड है, आप जिधर बेटर परफॉर्म कर सकते हो उधर करो। आपको अगर किसी से मतलब मसला है कि भाई इसको क्यों व्यूज मिल रहे हैं या उसको, तो आप अपनी स्ट्रगल करो ना, जितने आपको मिल रहे हैं आप उस पर शुक्र करो और आगे और लेने की तैयारी करो, ठीक है। और बबलू को मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि भाई उन्होंने साफ झूठ बोला, उनको मैं ना कोई गाली दे रहा हूँ, ना कोई अपने चैनल या अपने इंस्टा या कहीं से कुछ पोस्ट लगा रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि भाई उसने झूठ बोला, आपको इतना पता हो कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, आगे कोई मसला नहीं है मेरे लिए, मेरी तरफ से कोई हेट नहीं है। पहले जितने व्यूज आते थे वो अभी भी आते हैं, बीच में से अगर 100-200 गालियां पड़ती है तो 1000-2000 अच्छे कमेंट्स होते हैं, मैं अच्छे कमेंट्स को देख के बुरो को इग्नोर कर सकता हूँ।